छह सीटें और उधमपुर की जो पांच सीटें इसमें शामिल हैं, ऐसे में कुल 40 सीटें जो इस पर जो चुनावों में जाएंगी तीसरे चरण में, वहां पर पूरी ताकत जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, जिसमें योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उसी तरीके से आप देखें तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जम्मू कश्मीर में अपनी जनसभाएं करेंगे, और एक नहीं बल्कि तीन से चार जनसभाएं केंद्रीय मंत्री अमित शाह की होने वाली है, और वही योगी आदित्यनाथ जो है वो भी तीन सभाएं करने वाले हैं, जिसमें जोड़ियां हो, अरसपुरा हो, इसी तरह से कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जो है वो जनसभाएं होने वाली हैं। तो ये लगातार सिलसिला जारी है। यही नहीं, स्मृति ईरानी जो है वो आज जम्मू में है, वो जम्मू में कई जगहों पर प्रचार करेंगी। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी पूरा जोर लगाया जा रहा है। कल राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में थे और आने वाले दिनों में और बड़े नेता जो है उनके जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय। बिल्कुल आखिरी चरण के रण में सभी पार्टियों ने पूरी ताकत